समझते हैं कि चूरू इनकी जागीर है, जो ये बात करें सामंतवाद की, इनकी खुद की सोच सामंती है। ये मानते हैं कि या तो हमारे परिवार में टिकट रहे और अगर किसी और को मिल गई तो एक मिनट में, जो बीजेपी ने इनको 34 साल तक टिकटें दी, 14 टिकटें दी, उसको छोड़ के कांग्रेस की गोदी में जाके बैठ गए, उस कांग्रेस की जिसको ये दशकों तक पीढ़ियों से पानी पी पी के गालियां दे रहे थे। आज ये बताए राहुल कसवा जी खुद कि क्या वो आज राहुल गांधी के पीछे चलने को तैयार हैं क्या? वो कहते हैं हम किसी के पीछे नहीं चल सकते, इसलिए हमने बीजेपी को छोड़ा है। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास सुजानगढ़। दोस्तों, इस समय पूरे देश में लोकसभा चुनाव की जबरदस्त रौनक है, लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी हॉट सीट माना जा रहा है चूरू की सीट को, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, भारत को 3 बार मेडल जिताने वाले पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी यहां पर एक बहुत बड़ी बात राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के पुत्र पराक्रम सिंह जी ने कही थी कि साल में 3 बार मोदी जी अगर किसी को पूरे देश में घर में बुलाते हैं तो है देवेंद्र झाझड़िया। और निश्चित रूप से एक बात और यहाँ पर आज से देवेंद्र झाझड़िया के द्वारा की गई थी कि 200 जो देश है वो देवेंद्र झाझड़िया को जानते हैं, अन्य प्रत्याशियों को पूरा देश भी नहीं जानता है। ये बातें नोट करने वाली है। मैं इस समय पराक्रम सिंह जी के साथ हूँ। राजेंद्र राठौड़ जी आने वाले थे लेकिन उनके आज दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक है, इसलिए उनकी जगह वहाँ पर पहुँचे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है पूरे क्षेत्र में, क्योंकि पूरे देश में मोदी जी का बात चल रही है और पूरे जिले में केवल राजेंद्र जी राठौड़ को फोकस किया जा रहा है, ये क्या कहेंगे इस संबंध में आप? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि देवेंद्र झाझड़िया जी लाखों वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री बनेंगे, और जो दूसरे लोग हैं जो ये जातिवादी की बात कर रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट है और उनको दिख गया है कि उनकी करारी हार हो रही है, तो ये अब उनके पास में जाति की अफीम देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, इसलिए उनकी बौखलाहट बोल रही है ये। क्या लगता है आपको, क्या लोग इस तरह की चीज़ों में आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आएगा। आज का जो मतदाता है बहुत जागरूक है, उसको अपना अच्छा बुरा समझ में आता है, देश का अच्छा बुरा समझ में आता है। ये कोई गांव के सरपंच का चुनाव नहीं है, ये देश की सर्वोच्च अपना जो पद है एमपी का, उसका चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। सब लोग नरेंद्र मोदी जी को और देवेंद्र जी को वोट देंगे और भारी मतों से जिताएंगे। एक पत्रकार होने के नाते मैंने नामांकन रैली कवरेज किया था चूरू में कांग्रेस की, यहाँ तक कि अशोक गहलोत भी उसी बात पर अटके हुए थे, कोई मोदी जी का नाम नहीं ले रहा था, और कांग्रेस के नेता यहाँ तक कि सोनिया गांधी और राहुल का भी नाम नहीं ले रहे थे। ये क्या, किस तरफ जा रही है राजनीति? देखिए, ये मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज जो मुख्य मुद्दा है वो देश मजबूत कैसे हो, देश आगे कैसे बढ़े, नरेंद्र मोदी जी का हाथ कैसे मजबूत हो, रोजगार कैसे मिले लोगों को। आज लोग विज्ञान की बात कर रहे हैं, चंद्रयान की बात कर रहे हैं, ये जो लोग हैं ये अपनी वोटों की फसल काटने के लिए जाति के सम्मान की बात कर रहे हैं। इनका अब पूरा पूरा चूरू समझ चुका है, ये समझते हैं कि चूरू इनकी जागीर है, जो ये बात करें सामंतवाद की, इनकी खुद की सोच सामंती है। ये मानते हैं कि या तो हमारे परिवार में टिकट रहे और अगर किसी और को मिल गई तो एक मिनट में, जो बीजेपी ने इनको 34 साल तक टिकटें दी, 14 टिकटें दी, उसको छोड़ के कांग्रेस की गोदी में जाके बैठ गए, उस कांग्रेस की जिसको ये दशकों तक पीढ़ियों से पानी पी पी के गालियां दे रहे थे। आज ये बताए राहुल कसवा जी खुद कि क्या वो आज राहुल गांधी के पीछे चलने को तैयार हैं क्या? वो कहते हैं हम किसी के पीछे नहीं चल सकते, इसलिए हमने बीजेपी को छोड़ा है। तो राहुल गांधी के आगे चलेंगे पीछे चलेंगे, ये बताएं वो खुद। एक बड़ा आरोप लगा जा रहा है लगातार एक ही बात, पिछले 7 दिनों में राजेंद्र सिंह राठौड़ को नेता मार नेता कहा जा रहा है, कह रहे कि इस जिले में अच्छे अच्छे नेताओं की राजनीतिक भविष्य उन्होंने खराब किया है। क्या कहेंगे इस संबंध में आप? देखिए, जितने नेताओं को आगे बढ़ाने का काम मेरे पिताजी ने किया है, ना सिर्फ चूरू जिले में बट पूरे राजस्थान में, उतना और कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। नेता मार, मैं तो इनसे पूछना चाहूँगा कि वो एक नेता बता दें जो उन्होंने अपने 34 साल में आगे बढ़ाया हो, जिसको कोई पद दिलाया हो। यहाँ पे जयनारायण जी पूनिया जो बीजेपी में नहीं थे, उनको बीजेपी ज्वाइन करा के MLA की टिकट दिलाई और उनको चुनाव लड़ाया, अपनी 4 दशक की जो राजनीति थी उसकी विरासत हरलाल सारण जी को दी, हरलाल सारण जी को जिला प्रमुख बनाया, हरलाल सारण जी को प्रधान बनाया। उसके अलावा अनेकों ऐसे उदाहरण है जिसमें काबिलियत थी, जो आगे बढ़ सकता था उसको हमेशा प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ाया। क्या कहेंगे, मुद्दा क्या होना चाहिए जिले का इस बार आपके हिसाब से, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय एक सेलिब्रिटी को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में उतारा है? देखिए, मुद्दा एक है,
मुद्दा ये है कि नरेंद्र मोदी जी का जो 400 पार का लक्ष्य है उसमें हमारा क्या योगदान रहे। ये जो वोट है, ये वोट हम देवेंद्र झाझड़िया जी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश को आगे बढ़ाया है पिछले 10 सालों में, वैसे निरंतरता में देश आगे बढ़े, ये मुख्य मुद्दा है।